हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 15.7.7 के नए अपडेट में हमें बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है, इस अपडेट में हमें बैटरी ड्रेन का इश्यू देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपने आईफोन 7 के ऊपर इस इशू को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर हमें बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलता है। तो मैंने जहाँ तक ये नोटिस किया है कि जब मैं S15.7.6 के अपडेट को यूज़ कर रहा था अपने डिवाइस के ऊपर, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस अपडेट को यहाँ पर रिलीज़ हुए एक दिन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो अपडेट है ये 15.7.6 की बैटरी परफॉर्मेंस आपको बता रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी से बैटरी ड्रॉप होती थी, उसी कारण मेरे को यहाँ पर अपने आईफोन 7 को जल्दी से चार्जिंग के ऊपर सेट करना पड़ता था। जब मैं उसे चार्जिंग के ऊपर सेट करता था 15.7.6 के नए अपडेट के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर मेरा आईफोन बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इशू मेरे को प्रोवाइड करता था। बट जैसे ही मैंने अपडेट किया 15.7.7 के अपडेट पे, तो उस टाइम आप देख सकते हो मेरा जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है और यहाँ पर इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी से ड्रॉप नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है 15.7.6 के बैटरी में और 15.7.7 के बैटरी के ड्रेन में। तो यहाँ पर आपको लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा 15.7.7 के नए अपडेट में। अगर आपको इन फ्यूचर आपका डिवाइस जो है वो और भी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हमेशा अपने डिवाइस में डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए। डार्क मोड को जैसे यूज़ करोगे हर टाइम के ऊपर, उस टाइम के ऊपर आपकी जो डिस्प्ले होती है वो पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर डार्क हो जाती है, ब्लैक हो जाते हैं उसे पिक्सल। तो उस टाइम के ऊपर आपका डिवाइस कम से कम बैटरी को यूज़ करता है। तो यहाँ पर इसको और भी बढ़िया बनाने के लिए आपको सेटिंग्स को फिर से ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटीज़ के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है मोशन के ऊपर, रिड्यूस मोशन के ऊपर, मोशन के ऊपर आपने टैप करना है और रिड्यूस मोशन को आपने यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे रिड्यूस मोशन को यहाँ से ऑन करोगे, अब आपके आईफोन में से जो मोशंस होते हैं वो पूरे तरह से कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं और आपका डिवाइस कम बैटरी को कंज्यूम करता है। इस थर्ड नंबर के ऊपर आपको यहाँ पर बैटरी के सेक्शन में जाना है, बैटरी हेल्थ के ऊपर टैप करना है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन को यहाँ से आपने ऑन कर देना है, जिसके साथ आपकी बैटरी जो है ऑप्टिमाइज रहती है जब आप उसके चार्जिंग के ऊपर सेट करते हो। उसके बाद प्राइवेसी में टैप करना है, लोकेशन सर्विसेज के ऊपर टैप करना है, सिग्निफिकेंट लोकेशन सिस्टम सर्विसेज के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन के ऑप्शन को ऑन कर देना है। पासकोड को आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंट लोकेशन को ऑन कर देना है। इस तरह से आपके आईफोन की जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी इस वाले नए अपडेट में। तो गाइस, इन टिप्स को आप फॉलो करके और भी बढ़िया बैटरी बैकअप निकाल सकते हो अपने आईफोन में से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग,